क्लास एट्थ, आज हम एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट फोर है ये, जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इसमें हम पूरी एक्सरसाइज में या पूरे के पूरे यूनिट में ही हम क्या करेंगे, तरह तरह के क्वाड्रिलेटरल होंगे, उनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो हमने सीखना है। तो चलो एक्सरसाइज 4.1 लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में क्या कहता है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ए बी सी डी, जिसमें ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5.5, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर और ए सी कितना 7 सेंटीमीटर। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। तो जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना हो ना, इजी यही रहता है कि उसका पहले आप एक रफ प्लान बना लो। तो मैं ये साइड पे जाके इसका एक रफ प्लान बनाने लगा हूँ, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ऐसे बिना स्केल के रफ प्लान बना रहा हूँ मैं। नाम दे देंगे इसका ए बी सी डी। आप जो जितना दिया हुआ है वो लिख लेंगे। ए बी दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, ये लिखा। बी सी दिया हुआ है 5.5, सी डी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, फिर डी ए दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ए सी, ये डायगनल ए सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। दो डायगनल होते हैं, एक बी डी भी होता है, लेकिन वो हमें नहीं दिया हुआ है। तो देखो, जब भी सारे के सारे डायगनल दिए, सारी सारी के सारे साइडें दी हों और एक डायगनल दिया हो, ध्यान से सुनना, क्वाड्रिलेटरल की सारी साइडें दी हों और एक डायगनल दिया हो, तो तब इसको कहाँ से शुरुआत करनी है इसकी, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो डायगनल दिया होता है ना ए सी, उससे इसको शुरुआत करनी चाहिए, वो लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायगनल ए सी जो दिया था ना वो ले लेंगे। वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हम डायगनल इसका ले लेंगे 7 सेंटीमीटर। स्केल की मदद से हम एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे 7 सेंटीमीटर। ये ए सी लिया हमने, तो इसका नाम भी आपने साथ साथ नाम भी देते जाना है। ए सी लिया 7 सेंटीमीटर। ये जो रफ प्लान बनाया है इसी को देखते हुए करते रहेंगे। अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे आगे ए बी। ए बी कितना, 4.5। तो हम कंपास को 4.5 सेंटीमीटर खोलेंगे। ए बी है ना, ये बी तो आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा, तो आपने कंपास की पिन कहाँ पे रखनी है, ए पे रखनी है। तो एक आर्क लगा देना, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये आर्क चाहे आप ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, कहीं भी लगा लो। चलो ऊपर लगा लेते हैं, ऐसे आर्क लगा लिया। ए बी हमने बना लिया। अब हम चलो बी सी बनाते हैं। बी सी कितना है, 5.5। तो हम कंपास को 5.5 सेंटीमीटर खोलेंगे। कंपास की पिन रखी सी पे, ये बी सी है। बी तो आपको कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन सी तो दिख रहा है ना। तो सी पे कंपास की पिन रखते हुए एक आर्क और लगा देंगे हम। तो ये हमने बनाया ए बी और बी सी। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ये आर्क आपस में काट रहे हैं, वो आपको पॉइंट मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। अब क्या करना है, आपने ए बी और बी सी को मिला देना है। ए बी और बी सी को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। तो अभी ये आधा क्वाड्रिलेटरल बना। हम ये ले चुके हैं, ये ले चुके हैं और ये ले चुके हैं। अभी ए डी देखो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो हम कंपास को क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। है क्या ये ए डी, डी कहीं दिख रहा है क्या आपको, नहीं ना दिख रहा है, ए तो दिख रहा है ना। तो ये ए पे कंपास के पिन रखते हुए ऐसे नीचे आपने एक आर्क लगा देना है, ऐसे ए डी बना लिया। अब सी डी है 4 सेंटीमीटर, तो हम कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे। ये सी डी है, डी कहीं पे नहीं है लेकिन सी तो है। तो सी पे कंपास के पिन रखते हुए ये एक ऐसे आर्क लगा देंगे। यहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को काट रहे हैं, वही पॉइंट होगा डी। अब इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, आपने ए डी को मिला देना है और सी डी को मिला देना है। जब आप ऐसा करोगे तो तब आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल सामने बन के आ जाएगा, ए बी सी डी, दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो जो जितना था वो भी लिख लेंगे हम। ए बी 4.5 सेंटीमीटर था, बी सी कितना था, 5.5 सेंटीमीटर, ए डी था 6 सेंटीमीटर,
और ये सी डी जो था ये कितना था, 4 सेंटीमीटर। क्वाड्रिलेटरल तो बना दिया, अब इसके स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स मैं आपके सामने लिखूंगा नहीं, बोलता जाऊंगा, ध्यान से सुनना, मैं आराम से बोलूंगा। तो जैसा जैसा आपने किया ना वैसे वैसे लिखते जाना है। तो इसका जो पहला स्टेप आएगा वो आएगा टेक ए सी इक्वल टू, सबसे पहले ए सी ही तो लिया था ना, टेक ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या आएगा, विद ए एंड सी एज सेंटर्स एंड रेडियाई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर, ड्रा टू आर्क्स कटिंग ईच अदर एट पॉइंट बी। अगला स्टेप तीसरा, ज्वाइन ए बी एंड बी सी, ठीक है। फिर अगला स्टेप चौथा स्टेप, विद ए एंड सी एज सेंटर्स एंड रेडियाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ड्रा टू आर्क्स कटिंग ईच अदर एट पॉइंट डी। अगला स्टेप पांचवा शायद, ज्वाइन ए डी एंड सी डी, फिर आगे आपने कंक्लूड कर देना है, लिखना है, देन ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये पार्ट वन था। इसी क्वेश्चन का पार्ट टू, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है ये, कोई अलग है ही नहीं है। इधर आपने क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बनाया था, इधर क्वाड्रिलेटरल क्या जंप है, जे यू एम पी। सबसे पहले आप इसका रफ प्लान बना लो। तो बनाते हैं इसका रफ प्लान। और जो जितना लिख लो, जे यू कितना 3.5 सेंटीमीटर, यू एम कितना 4 सेंटीमीटर, एम पी कितना 5 सेंटीमीटर, पी जे कितना 4.5 सेंटीमीटर, और पी यू कितना, ये पी यू कितना 6.5 सेंटीमीटर। ये भी तो पहले की तरह ही है। इस क्वाड्रिलेटरल में भी तो सारी की सारी साइडें आपको दी हुई हैं और एक डायगनल। तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जब एक डायगनल दिया हो और सारी की सारी साइडें दी हों तो शुरुआत किससे करनी है, डायगनल से। तो आप क्या करोगे, डायगनल पी यू जो है वो ले लोगे। कितना लेना है, 6.5 सेंटीमीटर। तो ये मैं ले रहा हूँ 6.5 सेंटीमीटर, ये आपने डायगनल लिया, डायगनल से शुरुआत की है, नाम इसका हो जाएगा पी यू 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चाहे तो आप ये वाला ट्रायंगल पहले बना दो या ये वाला ट्रायंगल, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो चलो पी एम ले लेते हैं हम, पी एम कितना 5 सेंटीमीटर। तो हम कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, ये पी एम है, एम तो कहीं दिख नहीं रहा आपको, पी तो है ना, पर तो पी पे कंपास की पिन रखते हुए इस तरह से आपने एक आर्क लगा देना है। अभी यू एम ले लेते हैं, यू एम कितना है 4 सेंटीमीटर, कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करो। यू एम, एम कहीं नहीं दिख रहा लेकिन यू तो दिख रहा है, तो ये एक और आर्क लगाना है। दोनों आर्क यहाँ एक दूसरे को काटे, उसका नाम रखना है आपने एम। तो आप क्या करोगे, पी एम को मिला दोगे स्केल से और फिर यू एम को भी मिला दोगे, आधा क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। अब आप ये भी ले चुके हो, ये भी ले चुके हो, ये भी ले चुके हो, अब क्या लेना है, पी जे लेना है। पी जे कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो कंपास को 4.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, पी जे है ये, जे कहीं नहीं दिख रहा है, पी तो है, पी पे कंपास की पिन रखते हुए ये आर्क नीचे लगाना है, ठीक है। उसके बाद एंड में अब क्या बचा है, जे यू बचा है 3.5 सेंटीमीटर। कंपास को 3.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, यू पे हम कंपास की पिन रखेंगे और नीचे की तरफ ही एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। दोनों के दोनों आर्क यहाँ पे मिले हमें, वो होगा हमारा जे होगा, ये पॉइंट हो गया जे। आप क्या करना, आपने पी जे को मिला देना है, ये पी जे को मिलाया, और यू जे को मिलाया, तब आपके सामने ये क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो गया, जंप
JUMP, जो जितने पैरामीटर थे वो लिख लो। PM कितना था? 5 सेंटीमीटर, ये ज़रूर लिखना, इसके नंबर होते हैं। MU कितना? 4 सेंटीमीटर। PJ कितना? 4.5 सेंटीमीटर। और JU कितना? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। इसके भी स्टेप्स सुन लो, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे पहले के मैंने बोले थे ना, वैसे ही इसके। ध्यान से सुनो और फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट भी कर लो। पहला, टेक PU इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद विद P एंड U एज सेंटर्स एंड रेडियाई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। मार्क टू आर्क कटिंग ईच अदर एट पॉइंट M। अगला पॉइंट, ज्वाइन PM एंड UM। फिर अगला पॉइंट, नंबर अपने हिसाब से देते रहना। अगला पॉइंट, विद P एंड U एज सेंटर्स एंड रेडियाई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। मार्क की जगह आप ड्रा भी लिख सकते हो, मार्क या फिर ड्रा टू आर्क्स कटिंग ईच अदर एट पॉइंट J। अगला पॉइंट, ज्वाइन PJ एंड JU, ठीक है। फिर आगे कंक्लूड कर देना, देन JUMP इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट हुए हैं, दो पार्ट इसके अभी बकाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उनको ले लेंगे हम, ठीक है। ध्यान से इनको समझना, ये बार बार प्रैक्टिस करना, बहुत आसान यूनिट है, मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। ओके।